water issues in India. In future, up to 2050, we may need to import water. 2050 तक हम लोगों को बाहर से पानी मंगाने की जरूरत पड़ने वाली है. So this is one of the major issue. Urbanization is done on even wetlands. जो agricultural lands हैं और जो wetlands हैं उन पर भी urbanization हो रहा है. जहाँ पर अभी भी एग्रीकल्चर हो सकती है उधर भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही हैं. फार्मर्स हैड विड्रॉन वाटर टू मच फ्रॉम लैंड, एज ए रिजल्ट वाटर लेवल वेंट डाउन सेवरल फीट. ट्यूबवेल्स वगैरह जो है, ये बोरिंग्स जो की जाती हैं, ये अभी भी मतलब की जा रही हैं, जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दी हैं. अभी फार्मर्स ही नहीं, जो फार्म जो रूरल एरिया से रिलेटेड कॉलोनीज हैं वहाँ पर जो रेजिडेंस वगैरह बनाया जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट की पहुँच नहीं है उस एरिया तक में अभी भी बोरिंग की जाती है. तो वो छुप छुप के करते हैं, वो बात अलग है, मगर वो बैन की जा चुकी है क्योंकि जो वाटर लेवल है बहुत नीचे जा चुका है. तो ये भी एक इशू है कि अभी भी लोग पानी अर्थ में से निकाले जा रहे हैं जो कि वैलिड नहीं है. इरीगेशन सिस्टम इज़ नॉट एफिशेंट एंड अपडेटेड. यहाँ पर अभी जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो इरीगेशन है वो अभी भी बहुत जगह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जहाँ पे पानी की सेविंग कही जा सकती है, तो वो भी अपडेट करने की ज़रूरत है. तो दीज आर सम इश्यूज. व्हाट आर द सॉल्यूशंस? वाटर बिलिंग मस्ट नॉट बी इक्वल फॉर लोअर एंड हायर कंजम्पशन लाइक इन दिल्ली. देखिए, अगर वाटर बिलिंग इक्वल कर दी जाएगी तो सभी लोग वेस्ट करेंगे पानी को. जैसा कि दिल्ली में हो रखा है कि कुछ लिमिट तक तो फ्री है, उसके बाद जितना कंजम्पशन करेंगे उसके उस हिसाब से रेट, जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतनी रेट बढ़ती जाएगी. मगर अभी थ्रू आउट इंडिया इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. हर जगह जो है रेट्स इक्वली हैं, चाहे आप कितना भी पानी यूज़ करो. बहुत से जो यूज़र्स हैं उन्होंने दो दो कनेक्शन दिए, मोर देन टू कनेक्शन हैव टेकन फॉर देयर कंजम्पशन एंड दे आर पेइंग द नॉर्मल नॉमिनल रेट्स. अनदर सॉल्यूशन कैन बी IPL शुड बी चार्ज्ड एट हायर कॉस्ट. देखिए, IPL मैचेस होते हैं, वहाँ पर भी उनको लेवलिंग करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और उस हिसाब से जो कि काफ़ी कॉलोनीज़ की डिमांड पूरी हो सकती है उस पानी से, तो वो भी एक कारण है कि पानी का वेस्टेज का. तो उनसे हायर रेट ली जानी चाहिए, जैसे कि प्योरीफिकेशन में काम आए पानी का, जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है उधर हमारे को ये गवर्नमेंट फंड में काम आ सके. नेक्स्ट, स्विमिंग पूल्स एंड होटल्स शुड बी बैंड. देखिए, स्विमिंग पूल में जो होटल्स की जो स्विमिंग पूल है वो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होते हैं. बाकी जो इधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है वो तो एक नीड है कि भाई कम्पिटिटिव है, इंडिया को भी बहुत सारे कम्पिटिटर्स निकालने हैं, तो स्विमिंग पूल जो है जहाँ रिक्वायर्ड है वहीं परमिशन होनी चाहिए. हर होटल को स्विमिंग पूल की परमिशन नहीं होनी चाहिए. वाटर रिसाइकलिंग शुड बी डन. ये तो सभी को पता है कि रिसाइकलिंग के बिना तो काम चलेगा नहीं. तो जैसा कि आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी ले सकते हैं एग्ज़ाम में, कि आप कुछ स्टार्टअप करके और इधर सभी कॉलोनी के जो रूफ्स हैं उन सबको इंटरकनेक्ट करके एक पूल बना सकते हैं और उसको पानी को सभी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सबका शेयर रहेगा उसमें, और उस सेकंड जो रिसाइकल्ड वाटर है उसको आप सर्विसिंग में, व्हीकल वॉशिंग और जो भी सेकंड डिग्री लेवल का जो यूज़ है आप कर सकते हैं उसे. कोई भी तरह का जो सेकंड डिग्री है आफ्टर ड्रिंकिंग वी कैन यूज़ इट. रेन वाटर मस्ट बी स्टोर्ड. अनदर पॉइंट वी कैन यूज़, रिवर मस्ट बी इंटरकनेक्टेड. ये तो है कि पूरे इंडिया की जितने भी रिवर्स हैं अगर सबको कनेक्ट कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी. ये काम चल भी रहा है मगर अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है. अनदर सॉल्यूशन भी, डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड. फॉरेस्ट एरिया मस्ट बी इंक्रीज्ड. फॉरेस्ट एरिया तो जबकि कम होता जा रहा है और उसमें भी जो है घुसपैठ है, कि कुछ कुछ एरिया में जहाँ बैन है उधर भी फिर भी
जो मैनुअल इंटरफेरेंस है वो देखी जा रही है, जो कि टोटली बैन कर देनी चाहिए। न्यू एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये इशू क्रूशल हो गया है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रिक्वायर्ड है, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वाटर सेविंग अवेयरनेस मस्ट बी डन, कुछ चैप्टर्स तो स्कूल्स में भी लग चुके हैं कि अवेयरनेस के लिए, वाटर के लिए, वही चीज़ गाँव तक में सब जगह होनी चाहिए। और यहाँ तक कि जो अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ पर भी लोग पानी की बहुत वेस्टेज करते हैं, तो वो अवेयरनेस होनी चाहिए।